प्रयागराज के शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने मतदान किया। बता दें, मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मतदाताओं से अपील किया कि अपने घरों से निकले मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और सहयोगी दल की पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है और मैं आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकले और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें, यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने आएगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके, 5 साल में किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है जनता? देखिए, ये तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है कि जो बहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पर वोट जरूर डालेगी।